नमस्कार दोस्तों, आज जो 12th के बच्चे हैं उनका रिजल्ट आ गया है CBSE से, जिन्होंने एग्जाम दिए थे उनके लिए बड़ा दिन है आज। तो कैसे देखेंगे आप अपना रिजल्ट, उसके लिए आप अपना सिंपली गूगल पे जाइए और वहाँ पर टाइप कीजिए CBSE results.nic.in। इस वेबसाइट पे आपको मिलेगा आपका रिजल्ट 2020 के लिए, और इसको हम क्लिक कर देते हैं तो हम पाते हैं कि ये जो वेबसाइट है फिलहाल अभी क्रैश कर गई है, अभी चल नहीं रही है, क्योंकि सभी लाखों बच्चे एक साथ बैठे हैं और सब अपना अपना रिजल्ट चेक कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो वेबसाइट है अभी करंटली डाउन हो गई है। देखिए ये बिल्कुल भी खुल नहीं पा रही है और ये इसी तरीके से करती रहेगी, और आ गया दिस साइट कांट बी रीच्ड। तो कोई बात नहीं, आप इसी तरह से ट्राई करते रहिए और जब आप इस साइट पे पहुंच जाएंगे तब आपको रिजल्ट के लिए इस तरह से एक आपको पैनल देखने को मिलेगा, और इसमें आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी है, जैसे कि आपका रोल नंबर है, स्कूल नंबर है, सेंटर नंबर, एडमिट कार्ड आईडी, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके एडमिट कार्ड पे दे रखी है। आपको कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये कहाँ पर मिलेगी, आपके एडमिट कार्ड पर ऊपर ही जहाँ आपकी डिटेल्स होती है वहाँ पर ही सब कुछ दे रखा है। आप इसको टाइप कीजिए और ये जो यहाँ पर कैप्चा नंबर दिया हुआ है, ये जो कुछ भी होगा उसे आप यहाँ फिल कर दीजिएगा और फिर उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करते ही आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके रिजल्ट के लिए, आपका रिजल्ट अच्छा है और आगे आप लाइफ में बहुत अच्छा करें। अब 12th के बाद आपको क्या करना है क्या नहीं करना है DU में एडमिशन वगैरह के लिए, तो उसके लिए मैंने वीडियोस बना रखी हैं। तो किस तरह से आप DU के अंदर रेगुलर SUL और NCVAP इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं, तो उन वीडियोस को आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।